एक्टिंग कर रही है पूरी. थैंक यू सो मच. मक्खी खाई जाए. जितनी भी गाड़ियां खड़ी है सब बंसल की हैं. ये भाई साहब दूध ले आए. दूध ये यहाँ पे कॉफी जो है वो सेपरेट तरीके से बनाया जाता है, तो डिनर तो मस्त वाला हो जाएगा. गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल है भाई लोगों. मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर आज साइकिल बाबा, विश्व ऑफ साइकिल यात्री. लास्ट वीडियो में आपने देखा इरिंगा से मफीना हम आगे थे, 80 प्लस किलोमीटर की हमने राइड की. आज हमें 86 किलोमीटर की राइड करनी है. यहाँ से एक एक शहर और आएगा, उसका नाम भी एम पे ही है यार, बोलना नहीं आ रहा मुझे, मैं बाद में देख के बताऊंगा आपको. वो 86 किलोमीटर है, बट 700 मीटर की चढ़ाई है. सुबह के 7:30 हो चुके हैं. मैं निकलना जल्दी चाह रहा था पर बादल बहुत ज़्यादा थे और हवा जो थी वो बहुत ठंडी थी, क्योंकि 1800 मीटर के एलिवेशन पे हैं. तो अब तंजानिया में हमारे लास्ट जो है 400 किलोमीटर के करीब की राइड बच गई है. उसके बाद हम तंजानिया को छोड़ देंगे. और ये होटल था, मैंने कॉफ़ी पी ली है, अंदर देखिएगा. सो मैं अभी ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ आपको. ब्रेकफास्ट में मैंने दूध लिया है, दूध के अंदर कॉफ़ी डालेंगे और थोड़ा सा वो डालेंगे चीनी. तो यहाँ पे कॉफ़ी जो है वो सेपरेट तरीके से बनाई जाती है. म्यूजिक सवेरे 7 बजे लगा के छोड़ दिया इन लोगों ने. और परांठे भी मिल सकते हैं अगर आप खाना चाहो तो, बट परांठे अपने को अभी सुबह सुबह खाने नहीं है. परांठे साना कॉफ़ी देने का तरीका अलग था. दूध डाल दिया एक तरफ, कॉफ़ी रख दी, बोला मिला लो और पी लो. ठीक है, तो खैर ये तो चलता रहेगा. अब चलते हैं हम. ये हमारा होटल था जिसमें हम रात को रुके हुए थे. इस होटल के हमें $11 लगभग 800 रुपये के करीब, 800-850 रुपये हमें देने पड़े भाई, पर ठीक था. एक्चुअली क्या, ये जो सिटी है जिसमें अभी हम हैं ये लक्कड़ का हब है, लकड़ी बहुत होती है यहाँ पे. ये भाई साहब दूध ले आए. दूध ये इस टाइप की कैनियों में दूध लेके आते हैं. मिल्क मिल्क, हाँ गुड. लोग आ गए हैं मार्केट में. सुबह 8 बजे मार्केट इतनी भर गई है. ट्रक एक साइड में खड़े हैं. ये देखिए सब ट्रक लोड हो रहे हैं लकड़ी से. ये ट्रक लोड होके आ गया. और इधर थोड़े बड़े वाले लकड़ हैं, इनको खंभे के रूप में यूज़ किया जाता है. तो ये भी ट्रक में लोड होना, वो जेसीबी लग गई है. मफिंगा से डेली सैकड़ों ट्रक निकलते हैं यार लकड़ के, पर खेती करते हैं. ये देखिए पूरा सफ़ेदा है, ये सफ़ेदे काट के इन्हीं को भेजा जाता है. और बादल देखिए कितनी स्पीड से जा रहे हैं. और मुझे यहाँ पे रुक के और वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है, क्योंकि अब यहाँ से शहर से बाहर निकल जाऊँगा तो 4G चलता ही नहीं है. तो अभी 1 घंटा मुझे सिर्फ वीडियो एडिट करने, मतलब वीडियो अपलोड करने में यहाँ पर लगेगा. ऑलरेडी 26% हो चुका है, फिर भी 1 घंटा दिखा रहा है. तो ये बड़ी समस्या अफ्रीका में, सिर्फ कैपिटल सिटी या फिर कोई बड़ा शहर होता है वहाँ पे नेटवर्क होता है 4G, अदरवाइज़ 4G नेटवर्क नहीं होता, 3G चलता है सब जगह. और कई जगह तो 3G भी नहीं चलता, सिर्फ वो ई लिखा आता है. तो अभी देखता हूँ, 1 घंटा यहाँ पे वेट करूँगा फिर ही चल पाऊँगा. और वीडियो एडिट करने के लिए भी 5-5, 6-6 घंटे लग जाते हैं यार, पर वो तो मेरी ड्यूटी भी है, क्योंकि मुझे भी फ़ायदा है इस चीज़ का. पर आप लोगों की भी एक ड्यूटी बनती है कि वीडियो देखने आए हो तो लाइक का बटन दबाने से शायद कुछ घटने वाला नहीं है. और वीडियो कैसे लगते हैं यार वो भी मुझे बता दिया करो, ताकि हम अपना सुधार कर सके टाइम के साथ में. और भाई मेरी जर्नी को रेगुलर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्रिप्शन फ्री है, कोई पैसा नहीं लग. लो जी जाम लग गया है, बहुत लंबी ट्रकों की लाइन है. पीछे भी 1.5 किलोमीटर तक है. शायद आगे कोई आगे ढलान है और उसमें कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, देखते हैं. और ये जितने भी ट्रक हैं इनमें से आधे से ज़्यादा ट्रक जो है जाम्बिया जिम्बाब्वे की तरफ जाते हैं. भाई वार्निंग दे दिए, हाई एक्सीडेंट एरिया, नेक्स्ट 5 किलोमीटर स्लो डाउन. तभी जाम लगा हुआ है, शायद कोई एक्सीडेंट हो गया है. पीछे आपको दिख रहा होगा 8-10 किलोमीटर लंबा जाम. धनों का एक फ़ायदा होता है, जाम वाम में साइड से निकल जाती है. हवा बहुत तेज़ चल रही है यार, अभी साइड में है, थोड़ी दूर चल के आगे की हो जाएगी. तो आज तो धनों को चलाना मुश्किल हो जाएगा. और अभी हम पहाड़ की टॉप पे हैं भाई. क्या व्यू है यार, ये देखिए.
सिर्फ एक रोड निकलता है, ये नदी है, इधर से नदी आ रही है और इधर नदी जा रही है, इधर नदी जा रही है और बीच में से रोड है। ये सब प्लांटेशन हो रही है बहुत प्यारी सी। हम इधर से आ रहे हैं, मक्खी खाई जाए। आग जला के बैठे हैं। चेक पॉइंट है ये, अब पहाड़ की टॉप पे आ गया, अब इधर से डाउन जाना है। फॉरेस्ट रिजर्व है प्लांटेशन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से। ले लिए मक्की, यहाँ की मक्की स्वादिष्ट बढ़िया है। टी प्लांटेशन है भाई, ये फार्म हाउस है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है ऐसे ही तंजानिया यूनिलीवर है। तो ये जो टी रिसर्च प्लांट सारे जो हैं वो हिंदुस्तान यूनिलीवर की जगह तंजानिया यूनिलीवर की है। और ये जो फॉरेस्ट और बना रखे हैं ये भी उसी के रिसर्च में से एक पार्ट है। 1800 मीटर से ऊपर टी प्लांटेशन है इनका सी लेवल से। 25 किलोमीटर तक मैं इस जंगल में चल रहा था, फॉरेस्ट है ये, जंगल भी नहीं कह सकते। वन विभाग का वन था। और अब कुछ सामने कोई झोपड़ी वोपड़ी दिख रही, पहले कोई कुछ भी नहीं था पूरे रास्ते में। जो पीछे जंगल था 20-30 किलोमीटर, इसको बोलते हैं साउ हिल। अब फिर चढ़ाइयाँ स्टार्ट हो जाएंगी। कोई गांव दिखाया डंका सा, नाम क्या है समझ ही नहीं आ रहा। आज हमें जो रुकना है वो माका अम्बा को रुकना है। ये कोई चुराया आ गया। ओके यस मम्मी नहीं ऐसा सर, एक क्विक इंग्लिश प्लीज। ए बार आसान है। हाउ आर यू? थैंक यू। यार ये व्हाट इज दिस, व्हाट यू से नाउ, नाम टुंडा यस। Yes. Yes. Okay. Okay. For you. Yes. Thank you. एक्टिंग कर रही है पूरी। थैंक यू सो मच। खाने को लिया यार इनसे, तो बेचारे गरीब से थे तो मैंने कहा कि कुछ अपना भी हो जाएगा। मेरे को नाम नहीं याद आ रहा यार इसका, क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में इसको, पर चिक्कू जैसा है बट इसके अंदर बीज चार पांच आते हैं। ये ब्रेकर बड़े खतरनाक है। ये गांव आ गया इडिट्रो। हमारा जो टारगेट है वो 40 किलोमीटर रह गया और टाइम 12 बज चुके हैं शायद, 12 से ऊपर ही हो गया। इस गांव की सीमा यहां पे खत्म हुई है और अगले गांव का बॉर्डर भी देख गया है। मगुवानी इरामबा। आज फ्राइडे है यार और ये फ्राइडे की मस्जिद में से नमाज पढ़ गया है। ये ब्रेकर इन्हों को चलने भी नहीं दिया जा रहा हवा। पेड़ देखो कैसे टूटने को हो रहे हैं, इतनी तेज हवाएं चल रही है। ये इरिंगा रीजन ख़त्म हो गया यार यहाँ से, गुड बाय इरिंगा रीजन। अभी कौन सा रीजन स्टार्ट हुआ है वो मुझे भी नहीं पता, पर इरिंगा ख़त्म हो गया, रोड भी चेंज हो गया और बहुत तेज़ हवा चल रही है दोस्तों। और ब्रेकर इतने हैं ना, ये छोटे छोटे ब्रेकर हर गांव में, 3 एंट्री पे, 3 एग्जिट पे और 2 बड़े ब्रेकर, 8 ब्रेकर हर गाँव में होते हैं। हालत ख़राब कर दी इन ब्रेकरों ने यार, मुझे तो डर लग रहा है धनों का कुछ चोट ना जाए। कई बार क्या होता है थोड़ा फास्ट निकल जाता आदमी, ध्यान देता नहीं है ब्रेकर पे। ऐसे वालों से कोई दिक्कत नहीं है, वो गड़गड़ 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 वाले हो ना उसमें दिक्कत होती है।
वैसे दो आएंगे बीच में गांव के बीच में, और फिर एंड पे दो तीन वो वाले आएंगे गड़गड़ गड़गड़ वाले। यहाँ पे घर वर और बस स्टैंड वगैरह सही ठीक ठाक सा बनाया हुआ है। सात सात ट्रक खड़े हैं, सात पे ऊपर लिखा हुआ है बंसल वाहेगुरु। यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा सा कम है जो हमारे लोगों के ट्रक हैं ट्रांसपोर्टेशन जिनकी, अदरवाइज़ कीनिया में तो बहुत ज़्यादा था यार, जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी है सब बंसल की हैं इस लेक ऑयल पे। माकाम बाको आ गया, अभी सिटी 3-4 किलोमीटर दूर है, और सिटी क्या छोटा सा टाउन है। आज रात का स्टे जो है हमारा यहीं होगा, अभी 4:30 बजे हैं। तो ये जो था आज का जो टारगेट था वो 86 किलोमीटर था, चढ़ाई काफ़ी थी पर हमने टाइम से पूरा कर लिया भाई। अब हम कोई गेस्ट हाउस देखेंगे या लॉन्स देखेंगे। लॉन्स तो है ये सामने दिख रहा है, पर ये शहर से काफ़ी बाहर है और एक्सपेंसिव भी लग रहा है मुझे। हवा चल रही है सामने की, बड़ी दिक्कत है यार। भैया 172 किलोमीटर रह गया भाई। मिड टाउन ग्रैंड करके कोई गेस्ट हाउस है उसमें आ गया हूँ भाई, और गेस्ट हाउस के बिल्कुल पास में ही छोटी सी दुकान थी, उससे 2-3 आम लेके आया भाई, और ब्रेड थी इसको मैं खा रहा हूँ, और उसके पास ये 4 केले मिल गए। ये केले भी अजीब से थे पर काम चल जाएगा, तो ये डिनर होएगा आज का। और ये गेस्ट हाउस है, वैसे तो देखने में तो बहुत बड़ा सा है, पर इसका मैं टूर आपको कराऊंगा एक बार, और साथ में केले खा लूँगा तो डिनर तो मस्त वाला हो जाएगा। और फिर आम चूस लूँगा, आम चूस लूँगा खाऊँ क्या करूँ इसको समझ नहीं आ रहा, छोटा सा है। अभी 5:30 हो गए यार, डिनर तो क्या है, मतलब लंच ही हो गया, लंच और डिनर दोनों मिक्स सा ही हो गया, क्योंकि भूख लगी हुई थी तो पहले खाता हूँ, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो रात को फिर आसपास कहीं से कुछ देख लूँगा, क्योंकि हाईवे है थोड़ा बहुत कुछ तो मिल जाएगा रात को भी। और 5:30 बजे मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ भाई। धन्नो को मैंने लगा दिया यहाँ पे, ये धन्नो खड़ी है अपनी, और ये बाथरूम है इस कमरे का, और ये गेट है इधर से मैं इंटर किया था, एक सोफा सा है। ये रूम जो है मुझे 20,000 सीलिंग का मिला, 20,000 सीलिंग इज़ नियर बाय 700 रुपये, 650-700 इतने में मुझे ये रूम मिला भाई। मलावी का बॉर्डर जो है अभी 300 किलोमीटर रह गया, यहाँ से बिया करके कोई सिटी है वो 170 है, वहाँ से फिर 120 या 130 किलोमीटर बॉर्डर की सिटी रह जाती है। तो कल मैं जो टारगेट रखूँगा वो लगभग 100 किलोमीटर का रखूँगा, उसके बाद में लास्ट दिन मैं 70 किलोमीटर का, क्योंकि लास्ट दिन जो बिया सिटी है वो काफ़ी हाइट पर है, और कल यहाँ से 103 किलोमीटर तक एक छोटा कोई टाउन आएगा वहाँ तक जाऊँगा भाई। देखते हैं कैसे क्या प्लान रहता है, पहुँचते हैं जल्दी ही। मैं करता हूँ डिनर और आपसे लेता हूँ विदा। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।